क्या लोग बार बार मुझे कहते रहते हैं ये सारे बिहारी दिल्ली बंबई क्यों आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ उसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर इन दिल्ली वालों का है। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, फिर भजन कराते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के जाना पड़ता है। बिहार सर अपने आप में अद्भुत है, दुनिया भर में विज्ञापन चलते हैं, आपने देखा होगा, छठी सातवीं आठवीं फेल बीए करें। हमारे यहाँ पे बिहार में विज्ञापन चलता है, सातवीं आठवीं नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री बने। बिहार का कोई मुकाबला नहीं है सर, हमारे सच बता रहा हूँ, कमाल है, हमारे बिहार का सचमुच कोई मुकाबला नहीं है। आए पहले कवि के रूप में रोहित हमारे बीच में है, रोहित शर्मा माया नगरी मुंबई से आए हैं, हास्य व्यंग संस्कार हर तरह की कविताएं सुनाते हैं, बहुत ही अद्भुत कवि हैं। और आपको मैं एक चीज सूचना और दे दूं, ये मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए और मैंने इनसे कहा कि देखो तुम्हें कार्यक्रम में चलना है दरभंगा, एकमात्र ऐसा कवि जिसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि भैया क्या मिलेगा कैसे चलना है, उन्होंने कहा ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, इसलिए इतने मन से वो आया है। बहुत कम जगह पे ऐसे होते हैं, अधिकतर जगह सर ऐसा होता है कि हम धन के लिए कविता पढ़ते हैं, सब चीजें आजकल जो मार्केटिंग आ गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सब चीज पैसे के लिए होता है। बहुत कम कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहाँ पे आदमी मन के लिए पहुंचता है, तो यहाँ पे हम लोग मन लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, बहुत ही मन से आप लोग सुन लेंगे तो हम लोगों को भी आनंद आएगा, बीच बीच में इस तरह की बातें होती रहेंगी। मुझे ऐसे ही एक चीज याद आ गई, मुझे तो याद है सर, एक बार गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया, लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। आइए पहले कवि के रूप में रोहित शर्मा को सुनते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में हुई, अनामिका जी हमारे साथ में है, आप भी अमरेंद्र कोई अच्छा सा जगह देख के बैठ जाइए। अमरेंद्र मुझे बोले थे सर इतने दिन हो गए पढ़ते हुए कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, आप 3-4 बार नाम ले देंगे तो क्या पता इस बार लगन में मेरा भी कुछ हो जाए। उसके साथ में सौरभ है, चॉकलेटी बॉय, कहाँ है भाई सौरभ, कहाँ है, नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। नहीं, हम जिस सौरभ को ढूंढ रहे हैं जो अनामिका जी को पटना से यहाँ तक लेकर के आया। खैर चलिए बैठे रहो, ऐसे ही चलता, आप लोग भी बैठ जाओ ना, बहुत मजा आने वाला है। ये आ गया, इधर उनको दिखाना है, हमें नहीं, बैठो अच्छा सा पड़ोस देख लो। आइए रोहित शर्मा हमारे बीच में बॉम्बे से आए हैं, जोरदार तालियां बजाइए, आप लोगों को एंटरटेन करने के साथ में संस्कार की बातें करेंगे। रोहित कौन सा माइक लोगे?